our previous lecture, we have discussed about the two methods, direct method and shortcut or assumed mean method. ठीक है, and हम कर चुके थे दो सीरीज, individual series and discrete series, right? Now we'll move towards the continuous series, frequency distribution से जो next series है हमारी continuous series, ठीक है? तो उस दिन भी मैं बताया था कि discrete and continuous में एक difference होता है, ठीक है? कि discrete series में variable की absolute values given होती है, ठीक है? You are given with the absolute values of the variable along with their corresponding frequency, ठीक है? वो discrete series है. Whereas in continuous series, we are not given with the absolute values of the variable. Variable की absolute values नहीं होती है, exact value नहीं पता होती है variable की, but we are given the values in a range. ठीक है, और you can say the range of values are given. Variable की range given होती है, exact और absolute value नहीं given होती है. Variable क्या है? Any attribute or characteristic whose value keeps changing and measurable also. कोई भी वो कैरेक्टरिस्टिक या वेरी एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और मेजरेबल भी होती है, जैसे हाइट है, वेट है, मार्क्स है, इनकम है, वेजेस है, पॉकेट अलाउंसेस है, ठीक है? ये सारे क्या हो गए? वेरिएबल हो गए, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है एंड मेजरेबल भी है, ठीक है? दूसरी तरफ फेयरनेस, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये एट्रीब्यूट्स तो है, इनकी वैल्यू मेजरेबल नहीं है. चेंज भी होते हैं लेकिन वैल्यू मेजरेबल नहीं है. ब्यूटी को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? They can only be ranked. Okay. So intelligence, honesty, high, low में rank की जा सकती, but value measurement नहीं हो सकता. So इनको variable नहीं कहते. Attributes है वो सिर्फ, ठीक है, लेकिन variable नहीं है. Okay. So variable क्या है? जिनकी value measure होती है, वो attributes variable बन जाते हैं. अब हम continuous series को discuss कर रहे थे. तो continuous क्या है? जिसमें हमें variable को हम किससे denote करते हैं यहाँ पे? X से, ठीक है? X को हम वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है? सो इन कॉन्टिन्यूस सीरीज वी आर नॉट गिवन विद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द X. X की एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दी होती. एब्सोल्यूट वैल्यू बोले तो मीन होल नंबर, एक एग्जैक्ट नंबर, ठीक है? X की जितनी भी आइटम है उसकी जो भी वैल्यू है, 10 है, इसके 10 नंबर आए, इसके 15 आए, उसको 1000 रुपये मिलते हैं पर मंथ पॉकेट अलाउंस, उसको 1500 रुपये मिलते हैं, ठीक है? तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है कि उसको एग्जैक्टली कितने मिलते हैं, ठीक है? रेंज में उससे उसको 1000 से 2000 के बीच में पर मंथ पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितनी 1000 से 2000 के बीच में मिलती है. एग्जैक्टली कितनी मिलती है ये नहीं पता, राइट? दैट इज अ रेंज, 1000 to 2000 बिटवीन. ओके, एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट नहीं पता, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस. जब हमें x क्या है हमारा यहाँ पे, सपोज हमने लिया पॉकेट अलाउंस या पॉकेट मनी, वेरिएबल है कि किसको कितनी पॉकेट मनी मिलती है मंथली, वो वेरिएबल है, ठीक है? चेंज होती रहती है, बड़े होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी डिमांड बढ़ती जाएंगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि जब फिफ्थ क्लास में थे तो हमें ये रोज 10 रुपये दे के भेज देते थे तो आज भी उन्हीं से काम चलाते हो, उतना ही पॉकेट मनी मिलती है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? आपकी डिमांड चेंज हो गई है तो आपका पॉकेट अलाउंस या पॉकेट मनी भी वेरी करता होगा, ठीक है? चेंज हो रहा है एंड दैट इज मेजरेबल ऑल्सो, उसकी वैल्यू मेजरेबल भी है, ठीक है? सो कॉन्टिन्यूस क्या कहते हैं, वैसा वेरिएबल, सॉरी कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है कि द सीरीज इन विच the values of the variable are not given in absolute terms. Absolute terms or exactly नहीं पता होती है. You are given with a range. For example, x, ठीक है, जो भी variable है, marks है, height है, weight है, that is given in a range of values. Okay. So this is the range of marks scored by some students in a class is given. 0 टू 10 कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 0 टू 10 के बीच में आए, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 10 टू 20 के बीच में स्कोर किया है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 20 टू 30 एंड सो ऑन, ठीक है? हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने कितना स्कोर किया है. अब मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं, द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज. एक वैल्यू सीरीज में कितनी बार आई है वो फ्रीक्वेंसी बताती है. मैं कहता हूँ 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं इस क्लास में इकोनॉमिक्स में, ठीक है? 0 से 10 के बीच में, लेकिन उन 3 बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं एग्जैक्टली ये नहीं पता, ठीक है? हमें सिर्फ इतना पता है इनके 0 से 10 के बीच में है. 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में, 2 ऐसे हैं जिनके 20 से 30 के बीच में, 1 ऐसा है जिनके 30 के 40 के, एंड 2 आर देयर हु हैव स्कोर्ड बिटवीन 40 टू 50, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं 40 से 50 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं,
दो बार फ्रीक्वेंसी होते हैं नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार एक वैल्यू रिपीट हुई है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, हमें रेंज पता है, तो इस रेंज की जो वैल्यूज होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी, वो कितनी बार आई है, दो बार, ठीक है। सो इसे हम कॉन्टिन्यूसली, नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन आवर सम ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स that in continuous series we have two types of or two categories of the continuous series, one is inclusive and the other one is exclusive series. Ek hoti hai inclusive series, dusri hoti hai exclusive series. Okay. So two types or two categories are there. Okay, one is inclusive and the other one is exclusive. So inclusive and exclusive are the two typical categories of the continuous series frequency distribution में, एक inclusive है, एक exclusive है, ठीक है। अब basically अगर इनको define किया जाए तो what is inclusive series, यहाँ पे continuous series में हर एक class interval में दो limits हैं, class limits आ गए हैं, okay, one is lower limit of every class and the other one is the upper limit of each and every class, okay. So basically the inclusive दो डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनकी दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है। वन इज बाय ऑब्जर्वेशन एंड द अदर वन द प्रॉपर्टी ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। एक ऑब्जर्वेशन मेथड से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इंक्लूसिव है और कौन से एक्सक्लूसिव है, जिसको हम कहें बेसिकली मीनिंग जब इनका डिफाइन करते हैं तो वहां से हम ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करेंगे। तो इंक्लूसिव नाम से ही हमें पता चल रहा है, इंक्लूड से आया है इंक्लूसिव, वर्ड इंक्लूड से आया है इंक्लूसिव, ठीक है। सो इंक्लूसिव सीरीज को हम डिफाइन करते हुए कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज इज सच अ सीरीज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इंक्लूड्स द अपर लिमिट ऑफ ऑल द क्लासेस इन देयर पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। बेसिकली अगर मैं बोलूँ सीधे सीधे, हर एक क्लास की अपर लिमिट उसी क्लास में काउंट होगी, दैट इज इंक्लूसिव। दैट मीन हर क्लास की अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूडेड है, वहीं से आया इंक्लूसिव, ठीक है। हर क्लास की अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूडेड है, ठीक है, वो है इंक्लूसिव। वेयर इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड वर्ड से आया है, ठीक है। सो ये क्या करता है, अपनी हर क्लास की अपर लिमिट को, ठीक है, उस क्लास में से एक्सक्लूड करके चलता है। दैट मीन हर एक क्लास की अपर लिमिट, फर्स्ट की अपर ये, सेकंड की अपर ये, थर्ड की ये, एंड सो ऑन, हर क्लास की अपर लिमिट उस क्लास में काउंट नहीं होगी या इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है एक्सक्लूसिव सीरीज की, दैट द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास will automatically become the lower limit of the next class, ठीक है। हर एक क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखो, हर क्लास की अपर, फर्स्ट की अपर कितनी है 10, सेकेंड की लोअर बन गई हो, ठीक है, सेकेंड की अपर, थर्ड की लोअर बन गई, थर्ड की अपर, फोर्थ की, एंड फोर्थ की अपर, फिफ्थ की लोअर बन गई, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी। अगर ऐसा है तो वो कौन सी सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। ये प्रॉपर्टी है, बाय ऑब्जर्वेशन हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ऑब्जर्व करके अगर आइडेंटिफाई करना है तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जब हर क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर बन जाएगी तो उसे एक्सक्लूसिव सीरीज कहेंगे, ठीक है। एंड बाय मीनिंग अगर इन्हें डिफाइन करना हो कि मीनिंग क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज का, वो तो आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई करेंगे। मीनिंग डिफाइन करना हो तो क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज, द सीरीज इन विच द अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, और द सीरीज इन विच अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास। हर क्लास की अपर लिमिट उस पर्टिकुलर क्लास में से हटा दी जाती है, ये वैल्यू यहाँ पे काउंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्स बार मीन होता है ना, एक्स बार, अगर एक्स बार की वैल्यू सपोज आती है 30, ठीक है, तो 30 थर्ड क्लास में भी है, द वैल्यू 30, एंड 30 जो है फोर्थ क्लास में भी है, ठीक है। तो दो क्लास इंटरवल में आ रही है सेम वैल्यू, और हमारे एक बार एक एवरेज भी आया है 30। सो इस एवरेज को मैं किस क्लास इंटरवल में काउंट करूंगा, अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूसिव दिस विल बी काउंटेड इन फोर्थ क्लास, ठीक है। क्यों, क्योंकि मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज क्या डिफाइन करता है, डेफिनेशन कहती है कि हर क्लास की अपर लिमिट उसके
नेक्स्ट क्लास में काउंट होगी या फिर आप उस क्लास में से एक्सक्लूडेड होगी या उस क्लास में काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास, दैट इज एन एक्सक्लूसिव थ्योरी, ठीक है, क्लियर। दूसरी तरफ इंक्लूसिव थी, जो इंक्लूसिव सीरीज है हमारे पास वो कुछ इस तरह की होती है, ऑपोजिट टू एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में हर क्लास की अपर लिमिट उसमें काउंट नहीं होती है, ठीक है, मीनिंग बाय डेफिनेशन। बाय प्रॉपर्टी हर क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर बन जाएगी, दो चीजें याद रखनी है। इंक्लूसिव इसका ऑपोजिट है, प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अब एक्सक्लूसिव की अपर लोअर बन जाएगी। इंक्लूसिव का उल्टा क्या होगा, एक्सक्लूसिव का ऑपोजिट इंक्लूसिव है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, हर क्लास की अपर नेक्स्ट की लोअर नहीं बनेगी, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, 0 to 5, 6 to 11, 12 to 16, ठीक है, 17 to 22, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्लास की अपर और सेकेंड क्लास की लोअर दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है वो सेकेंड की लोअर नहीं बनी, जो सेकेंड की अपर है वो थर्ड की लोअर नहीं बनी, जो थर्ड की अपर है वो फोर्थ की लोअर नहीं बनी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, तो नई प्रॉपर्टी आएगी इंक्लूसिव की, क्या, द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास विल नॉट बिकम द लोअर लिमिट ऑफ इट्स नेक्स्ट क्लास। किसी भी क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर नहीं बनेगी, ठीक है, दोनों डिफरेंट होंगी, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम थी, ठीक है। क्यों नहीं ये होती, दो ही सीरीज है, ये सीरीज है दो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैल्यूज, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, तो उनको दो नाम दिए गए, ये एक्सक्लूसिव है और ये इंक्लूसिव है, ठीक है। दो वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वी हैव टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव, जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एवरेज की तो हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा, उसका रीजन, उसके पीछे क्यों है, वजह क्या, अगर मेरा एवरेज सपोज x बार आता है ना 30, अब सपोज मेरा x बार आ जाता है 11.5 या 6, ठीक है, अब इसे मैं किस क्लास में काउंट करूं, 11.6 को किस क्लास में काउंट करूं, क्या किसी भी क्लास इंटरवल में 11.6 वैल्यू दिख रही है, फर्स्ट क्लास में 0 टू 5 की वैल्यू आएगी, 6 टू 11 इसमें आएगा, 12 टू 16 इसमें आएगा, 11 तक होती या 11 होती तो इस क्लास में काउंट होता, 12 होती तो इस क्लास में काउंट होता, लेकिन वैल्यू तो आई 11 और 12 के बीच में, ठीक है, सो ना तो इस क्लास की वैल्यू, क्योंकि इसकी लोअर 6 है और अपर 11 है, 11 से ज्यादा इस क्लास में काउंट नहीं कर सकते, इसकी लोअर 12 शुरू ही 12 से होती है, सो 11 से 12 के बीच में भी तो कुछ वैल्यूज है ना, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 एंड 11.9 तक, ठीक है, 11.999 तक, ठीक है, वो सारी कहां है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में, ठीक है। सो दैट मींस इंक्लूसिव सीरीज में कुछ वैल्यूज मिसिंग होती है, ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज जो है फ्रैक्शन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, जबकि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, 10 से 11 के बीच की जो फ्रैक्शन वैल्यूज है वो यहाँ पे कंसिडर्ड है ऑलरेडी किसी ना किसी क्लास में, ठीक है, चाहे 20 से 21 के बीच की वैल्यूज है फ्रैक्शन वैल्यूज 20.1, 20.2, वो सारी किसमें है, किसमें इंक्लूडेड है ना, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर मिसिंग नहीं है, बट यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती है वो मिसिंग है, ठीक है, इसलिए इंक्लूसिव सीरीज को हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द मीन और एवरेज, ठीक है, क्योंकि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू तो फ्रैक्शन में भी आ सकती है ना, जरूरी होता है होल नंबर में ही आए, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ गई तो इंक्लूसिव की किसी भी क्लास में वो लाई नहीं करती है, ठीक है, दिस वैल्यू डजंट लाई इन एनी ऑफ द क्लास इंटरवल, ओके, दैट वी कैन नॉट से दैट दिस वैल्यू दिस एवरेज बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर क्लास, हम नहीं कह सकते कि ये इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, इसलिए हमें इसमें कन्वर्ट, दैट मीन्स हमें ये डिफरेंस खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, सो हम कन्वर्जन भी पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर, ये समझ आई, वन सो नाउ वी कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स का अपर और लोअर का 2, ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर विल बी द डिफरेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट 5 - 3, 2 एवरेज निकालने के लिए तुमसे डिवाइड कर देंगे तो करेक्शन फैक्टर आ गया 1, इस करेक्शन फैक्टर को हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे हर क्लास की, ठीक है, तो देखो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्लास की 0, सो लोअर लिमिट में से माइनस करना है,
To find out the lower limit, we have to minus reduce the correction factor for each lower limit. तो माइनस करेंगे तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 1 अपर लिमिट में ऐड करेंगे 3 प्लस 1 4 ठीक है सेकंड की लोअर लोअर में से माइनस करते हैं 5 माइनस 1 4 अपर में ऐड करेंगे 8 प्लस 1 9 10 माइनस 1 9 एंड इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14 ठीक है अब देखो यहां पे आ गई ना प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव की कि हर क्लास की अपर लिमिट अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर बन जाएगी फर्स्ट की अपर सेकंड की लोअर बन गई सेकंड की अपर थर्ड की लोअर लिमिट बन गई है ठीक है तो प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो हो गई मीनिंग वही हो जाएगा जो एक्सक्लूसिव का होता है कि जो वैल्यू 4 है ये कहां काउंट होगी अब सेकंड क्लास इंटरवल में काउंट होगी फर्स्ट में नहीं काउंट होगी ठीक है बन गई एक्सक्लूसिव क्लियर हुआ एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में करना ही नहीं है जरूरत ही नहीं है करेंगे क्यों भाई हमें क्या निकालना है मीन निकालना है मीन निकालने के हमें चाहिए सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज तो जब हमें एक्सक्लूसिव बना के दे रखी है तो हम इंक्लूसिव में क्यों बना बनाया हलवा मिल गया तो उसमें से सूजी निकालूंगा कैसे अब मैं निकाल सकते हो सूजी सूजी पानी घी चीनी दे दी हलवा तो बना सकता हूँ लेकिन बनाने के बाद उसमें से सारी चीजें अलग तो नहीं कर सकता ठीक है टू मेथड्स वी आर यूजिंग वन इज डायरेक्ट एंड अदर वन इज शॉर्ट कट ठीक है दोनों मेथड्स को यूज करेंगे नाउ एक चीज इजी कर देता हूँ कि जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया था वही फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी यूज होगा फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला था x bar इज इक्वल टू x bar यूज इन प्लेस ऑफ मीन अरिथमेटिक मीन x bar तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला यूज किया था दैट वाज समेशन एफ एक्स ठीक है समेशन एफ इज इक्वल टू एन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में ठीक है नंबर ऑफ आइटम कैसे पता चलती है फ्रीक्वेंसी का टोटल करके तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास ये था समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ ठीक है नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स तभी उसका टोटल समेशन मीन सम टोटल तो हमें एफ और एक्स का प्रोडक्ट निकालना है तभी हम उसका सम टोटल कर पाएंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर दे रखा है सीरीज का ठीक है क्या उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्या आप एफ को इस एक्स के साथ अगर ये एक्स है अगर हम मान लें ये एक्स है तो क्या इस एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं ना क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन ही नहीं है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ठीक है सो विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स ओके सो हमारा ये एक्स नहीं है कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसको हम एक्स नहीं मानेंगे क्लियर यहाँ पे हम वेरिएबल लिख लेंगे सपोज ये मार्क्स हैं या फिर जो भी वेरिएबल दिया हुआ है तो ये हमारे मार्क्स हैं हम क्या करेंगे एक्स मान लेंगे मिड वैल्यूज को ठीक है फॉर सिंप्लीफाइंग ओके आप इसको भी एक्स लिख सकते हो गलत नहीं होगा ठीक है फिर आप क्या करते हो मिड वैल्यूज को आप एम मानते हो है ना पहले ऐसा ही करते आए थे सो फॉर्मूला थोड़ा चेंज डिस्क्रीट में एफ एक्स करते हैं इसमें एफ एम करते हैं मैं दोनों फॉर्मूला सेम लेके चल रहा हूँ ठीक है तो मिड वैल्यूज को मैं एक्स क्योंकि एक्स तो हमने अपनी तरफ से माना है ना कि हम वेरिएबल की जगह पे क्या रखेंगे एक्स रखेंगे ए भी रख सकते हैं जो मर्जी रख सकते हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक्स ही रखना है वाई भी रख सकते हो ठीक है क्लियर तो मैं मिड वैल्यूज को मानूंगा एक्स ठीक है तो हम मिड वैल्यूज को यहाँ पे एक्स ही मान के चलेंगे ताकि हम फॉर्मूला को चेंज ना कर पाए ओके सो एक्स क्या होगा मिड वैल्यूज मिड वैल्यूज हमें निकालनी आती है हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस क्लास लिमिट का एवरेज ठीक है तो इसका आएगा 5 15 25 35 45 ठीक है एक्स आ गया अब हमारे पास हमें क्या चाहिए था एफ एंड एक्स का प्रोडक्ट चाहिए था एफ भी है एक्स भी है अब प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हो तो डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई किया 50 60 50 35 90 ठीक है एफ एक्स आ गया अब एक चाहिए समेशन एफ एक्स तो टोटल करो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ठीक है इन सब का टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना आया 2
टू फाइव थ्री, ठीक है। समेशन एफ एक्स आ गया, और क्या चाहिए हमें, समेशन एफ की वैल्यू चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, समेशन एफ इज इक्वल टू 12, पुट करो यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना है 250, समेशन एफ कितना है 12, ठीक है। डिवाइड करेंगे टू पॉइंट और 20 पॉइंट, ठीक है। 12 + 24 राइट, कितना आ गया 10, ठीक है। डिवाइड नहीं होगा, यूज द जीरो, देन 8 20.8 समथिंग, ठीक है। सो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 20.8। आपको टू डेसिमल तक ही कैलकुलेट करना, उससे आगे नहीं जाओगे, ओके। सो एक्स बार की वैल्यू आ गई 28.3 या 4 के आसपास आएगी, ठीक है, 3 दैट इज। सो एक्स बार आ गया, ओके। ये था डायरेक्ट। अब हम इसी इन्हीं वैल्यूज को यूज करके शॉर्टकट पे जाते हैं। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे वैल्यू या आंसर सेम आएगा, ठीक है। तीनों मेथड से x बार का आंसर सेम आएगा बाय यूजिंग द सेम वैल्यूज, ठीक है, अगर यही वैल्यूज नहीं हो तो। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास शॉर्टकट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या करते थे शॉर्टकट में, सिंप्लीफाई, ओके। सो दैट मीन्स फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हम x की जगह क्या करते थे, x का सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करते थे। क्या होता था वो, डेविएशन d, ठीक है। तो जहां पे हमने fx लिखा है तो x को रिप्लेस कर दिया d ने, तो x की जगह क्या लिख दोगे, fd, fx। भाई पिछले फॉर्मूले में हमने क्या किया था, समेशन fx। हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उस दिन भी हमने कहा था कि शॉर्टकट हम इसलिए निकालते हैं व्हेन द वैल्यूज ऑफ x आर क्वाइट लार्ज, जब x या वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी लार्ज है, सो कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए हम उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय रिड्यूसिंग अ कॉमन वैल्यू, इन सभी वैल्यूज में से एक कॉमन वैल्यू को रिड्यूस करके, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, उसे हम कहते हैं डी, डेविएशन। तो d इज इक्वल टू x माइनस a, इस मेथड को अज्यूमिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब x में से a जो कि एक कॉमन वैल्यू होगी, ठीक है, जिसे हम अज्यूम कर लेंगे एज एन एवरेज वैल्यू, ठीक है। सो a हमारा अज्यूम्ड वैल्यू होगी आउट ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज में से एक वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे एज एन एवरेज। सो उस प्रकार का कैसे, बाय फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालना है। ए अज्यूम्ड मीन है एंड मीन एवरेज होता है, एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करके हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को ऐड करके उसका एवरेज निकाल देंगे, एंड वो एक सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू या फिर उसके आसपास की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 45 + 5 = 50/2 = 25, ठीक है। सो हमारी एग्जैक्टली मिड वैल्यू आ गई है 25, ठीक है। दूसरा बताया था ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन भी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अज्यूम्ड मीन, तो किसी भी सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू के आसपास वैल्यू को हम मीन मान सकते हैं, क्योंकि अज्यूम्ड है ऑलरेडी ये, ठीक है। तो कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर आप अपनी मर्जी से, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं मानेंगे, क्योंकि एवरेज हमेशा सेंट्रल वैल्यू के आसपास होता है, एक्सट्रीम नहीं होता। तो अज्यूम्ड मीन कोई तो अज्यूम कर रहे, तो आप एक्सट्रीम वैल्यू को मीन नहीं, 5 को छोड़ना आप एक ही वैल्यू मान लोगे, ओके, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मीन या एवरेज वैल्यू सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू के आसपास होती है। तो या तो 25 या इसके आसपास की कोई वैल्यू लाइक डी, ठीक है, जो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, तो सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू के आसपास की वैल्यू है, ठीक है, तो उसको भी मान सकते हैं। तो ए आ गया 25, ए की वैल्यू है 25, ओके। एक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या करना है, x माइनस a, x कितना है 5, a कितना है a, तो 5 माइनस 25 दैट विल बी माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 10, 20, ठीक है, हमें मिल गया d, ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब फॉर्मूला कहता है x बार इज इक्वल टू, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है, d सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में यूज होता है, कि वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है, तो वहां पर समेशन d यूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में बताया ना, जहां पे fx लिखते थे वहां पे d लिखोगे, एफ डी लिखोगे, क्योंकि हमने x को ही सिंप्लीफाई करके d की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, x की बजाय
डी आ जाएगा, एफ डी प्रोडक्ट ऑफ एफ और डी का निकालेंगे आप, ठीक है। तो ए का समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, सर एक्स की जगह डी आ जाएगा। और जो पावर वैल्यू रिड्यूस की है, जो ऑपरेशन आपने सिंप्लीफाई करके आप लगाया, उसका ऑपोजिट ऑपरेशन फॉर्मूले में लग जाएगा। आपने सिंप्लीफाई करके माइनस किया था, अब आप फॉर्मूले में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अज्यूम बी को ऐड कर दोगे, ठीक है। सो आगे सारी वैल्यूज आगे नहीं आए, हमें चाहिए एफ डी, तो प्रोडक्ट चाहिए हमें, हमारे पास अभी तक आया डी और एफ अलग अलग, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ एंड डी, माइनस थ्री इंटू माइनस थर्टी माइनस सिक्सटी, फोर इंटू माइनस टेन माइनस फोर्टी, जीरो टेन एंड फोर्टी, ठीक है। नाउ वी नीड समेशन एफ डी, ठीक है। तो टोटल कर लीजिए, तो नेगेटिव वैल्यूज को अलग ऐड करो एंड पॉजिटिव को अलग, सो दैट इज माइनस हंड्रेड फिफ्टी। अब ऐड कर लो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हंड्रेड में से पचास माइनस करो क्या आ जाएगा, पचास। और वैल्यू किसकी बढ़ी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है, ठीक है भाई। इसको ऐसे कर लीजिए कि माइनस हंड्रेड प्लस फिफ्टी, ऐड ही तो करना है ना, ठीक है। तो माइनस हंड्रेड प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी, ठीक है। सो हमारा समेशन एफ डी क्या आ गया, माइनस फिफ्टी। समेशन एफ डी की वैल्यू आ गई माइनस फिफ्टी, ठीक है भाई। सबको ऐड करना है, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं और ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। तो समेशन एफ डी की वैल्यू आ गई है माइनस फिफ्टी। हमें चाहिए समेशन एफ, समेशन एफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्वेल्व है। हमें चाहिए ए, ए ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं इजीली सारी वैल्यूज, ए कितना है इधर पुट करो, ए इज इक्वल टू ट्वेंटी।